कामाख्या मंदिर नीले शुरू करो जरा सो, हम वहाँ दिखाएंगे आपको कामाख्या माता मंदिर का रहस्य। नमस्कार, मैं हूँ मनोज तिवारी। ऐतिहासिक धरोहरों की श्रृंखला में आज हम आपको लेके आए हैं असम के गुवाहाटी के कामाख्या माता मंदिर। कामाख्या मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ अंधविश्वास और वास्तविकता के बीच की पतली लकीर खत्म हो जाती है, यानी यहाँ जादू, आस्था और अंधविश्वास की वास्तविकता देखने को मिलती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक। यदि आप रहस्यवाद को करीब से जानना चाहते हैं तो देखिए यह खास कार्यक्रम यहाँ क्यों की जाती है, योनि की पूजा। इसे क्यों कहते हैं तांत्रिकों का मंदिर, देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज के साथ। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी सिद्धपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या है। कामाख्या से भी 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है। इसका महत्व तांत्रिक महत्व है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या मंदिर में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल अथवा नीलशैल पर्वतमालाओं पर स्थित माँ भगवती कामाख्या का शक्ति पीठ सती के 51 शक्ति पीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। कहा जाता है कि यहाँ सती देवी का योनि भाग गिरा था। यही वजह है कि यह मंदिर सती देवी की योनि का प्रतिनिधित्व करता है। सती देवी के स्वत्याग से क्रोधित होकर भगवान शिव ने विनाश का नृत्य अर्थात तांडव किया था। यही भगवती की महामुद्रा योनि कुंड है। देश भर में अनेकों सिद्ध स्थान हैं जहां माता सूक्ष्म रूप में निवास करती हैं। प्रमुख महाशक्ति पीठों में माता कामाख्या का यह मंदिर सुशोभित है। हिंगलाज की भवानी, कांगड़ा की ज्वालामुखी, सहारनपुर की शाकंभरी देवी, विंध्याचल की विंध्यवासिनी देवी आदि महान शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र एवं तंत्र मंत्र योग साधना के सिद्ध स्थान है। यहाँ मान्यता है कि जो भी बाहर से आए भक्तगण जीवन में 3 बार दर्शन कर लेते हैं उनके सांसारिक भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। पुराणों के अनुसार पिता दक्ष के यज्ञ में पति शिव का अपमान होने के कारण सती हवन कुंड में ही बूंद पड़ी थी, जिसके शरीर को शिव कंधे पर दीर्घ काल तक डाले फिरते रहे। सती के अंग जहां जहां गिरे वहां वहां शक्ति पीठ बन गए, जो शाक्त तथा शिव भक्तों के परम तीर्थ हुए। इन्हीं पीठों में से एक कामरूप असम में स्थापित हुआ, जो आज की गुवाहाटी के सामने कामाख्या नामक पहाड़ी पर स्थित है। पश्चिमी भारत में जो कामारूप की नारी शक्ति के अनेक अलौकिक चमत्कारों की बात लोक साहित्य में कही गई है, इसका आधार इस कामाक्षी का महत्व ही है। कामरूप का अर्थ ही इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेना, और विश्वास है कि असम की नारियां चाहे जिसको अपनी इच्छा के अनुकूल रूप में बदल देती थी, विश्व के सबसे प्राचीन तंत्र आगम मठ के अनुसार कामाख्या में आज भी तंत्र की ऐसी शाखाएं हैं जिनके अनुसार कुछ भी पाया जा सकता है, परंतु बहुत ही कठिन है यह साधना। असम के पूर्वी भाग में अत्यंत प्राचीन काल से नारी की शक्ति की अर्चना हुई है। महाभारत में उस दिशा के स्त्री राज्य का उल्लेख हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि मात्र सत्तात्मक परंपरा का कोई ना कोई रूप वहां था, जो वहां की नागा आदि जातियों में आज भी बना है। ऐसे वातावरण में देवी का महत्व चिरस्थायी होना स्वाभाविक ही था, और जब उसे शिव की पत्नी मान लिया तब शक्ति संप्रदाय को सही चीज शिव शक्ति की पृष्ठभूमि और मर्यादा प्राप्त हो गई। फिर जब वज्रयानी, प्रज्ञा, पारमिता और शक्ति एक कर दी गई तब तो शक्ति गौरव का और भी प्रसार हो गया। उस शक्ति विश्वास का केंद्र गुवाहाटी की कामाख्या पहाड़ी का यह कामाक्षी पीठ है। मुख्य मंदिर जहां कामाख्या माता को समर्पित है, वहीं यहां मंदिरों का एक परिसर भी है जो 10 महाविद्या को समर्पित है। ये महाविद्या है मातंगी,
कामाला, भैरवी, काली, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी, तारा, बगलामुखी, छिन्नमस्ता और भुवनेश्वरी। इससे यह स्थान तंत्र विद्या और काला जादू के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह स्थान प्राचीन खासी था जहां बलि दी जाती थी। पूरे भारत में रजस्वला यानी मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता है। लड़कियों को इस दौरान अक्सर अछूत समझा जाता है, लेकिन कामाख्या के मामले में ऐसा नहीं है। हर साल अम्बुबाची मेला के दौरान पास की नदी ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। 3 दिन बाद श्रद्धालुओं की मंदिर में भीड़ उमड़ पड़ती है। सभी देवी के मासिक धर्म से गीले हुए वस्त्र को प्रसाद रूप लेने के लिए पहुंचते हैं।